स्वागत है स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सरफेस टेंशन टी बोला है और बोल रहा है कि एक ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसको 64 छोटा छोटा ड्रॉप्स में ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी देना होगा तो यहाँ डायग्राम देखो शुरू में इसका रेडियस आर है सरफेस टेंशन यहाँ टी है और फिर ये सिक्सटी फोर ड्रॉपलेट्स में टूट गया और सबका रेडियस छोटा छोटा r है टेंशन तो सरफेस टेंशन तो लिक्विड तो वही है तो अभी भी वही रहेगा तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट बना करके वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू सिक्सटी फोर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा फोर बाई थ्री पाई आरक्यूब और ये सिक्सटी फोर छोटे छोटे में टूट गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिक्सटी फोर ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप तो यहां से आर क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है सिक्सटी फोर स्मॉल आर क्यूब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर आर ठीक है मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो हर एक छोटा छोटा ड्रॉप बना उसका रेडियस एक चौथाई का है बड़े वाले के तो अब यहाँ पर हम एनर्जी निकालते हैं ठीक है तो एनर्जी निकाल लो एनर्जी कैसे आएगा शुरुआत में कितना एनर्जी था शुरुआत में जैसे एक ही ड्रॉप था तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया फोर पाई आर स्क्वायर फिर फाइनली जो एनर्जी आया सरफेस एनर्जी है ये सरफेस एनर्जी टी इनटू एरिया Finally, जो एनर्जी आया वो टी इंटू अब सिक्सटी फोर ड्रॉप का एरिया है फोर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर स्मॉल आर का मतलब है आर बाई फोर का स्क्वायर मतलब तो ये आ गया सिक्सटी फोर टी इंटू फोर पाई अपॉन आर स्क्वायर बाई सोला और सोलह से ये चार बार में कट गया और चार और चार सोलह हो गया तो सोलह पाई आया यहा था और इंटू टी और यहाँ से क्या आया था फोर पा आर कितना दिख रहा है यहां पे चेंज कितना दिख रहा है तो चेंज यहाँ दिख रहा है फाइनल माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी का जो चेंज होगा वही एनर्जी मेरे को रिक्वायर्ड होगा ब्रेक करने में तो सोला पाए आर स्क्वायर टी माइनस फोर पाए आर स्क्वायर टी तो सोलह में से चार गया तो कितना बच गया बारह पाई आर स्क्वायर टी ओके तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर यहां पे इस तरह से आएगा तो आई आए होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा थैंक यू